दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शादीशुदा औरत को पटाने का बेस्ट तरीका। अगर आप कोई भी शादीशुदा औरत को पटाना चाहते हो तो ये नंबर वन तरीका है। अगर आप इन टिप्स को यूज कर लेते हो तो कोई भी शादीशुदा औरत या कोई भी शादीशुदा भाभी को आप बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो टिप्स के बारे में बात करेंगे। दो टिप्स के जरिए आप किसी भी औरत को बहुत ही आसानी से पटा लोगे। अगर आप कोई भी औरत को पसंद करते हो तो इन दो तरीकों के मदद से उन्हें अपना पार्टनर बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, डिफरेंट बनो, कुछ अलग बनो। दोस्तों, हर किसी को ये बात पता होती है कि अगर औरत चाहे तो वो किसी भी लड़के को पटा सकती है और उसको अपना पार्टनर बना सकती है, लेकिन किसी लड़के के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड़का किसी भी लड़की को या फिर किसी भी औरत को इजीली पटा नहीं सकता। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाकर कोई सेट होती है। इसका कारण यह होता है कि औरत के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। औरत या लड़की बहुत ही आसानी से किसी भी लड़के को पटा सकती है। अगर आपके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें होती है जिससे कोई भी औरत पटे। अगर आप किसी भी औरत को पसंद करते हो, दोस्तों किसी भी औरत के पास आपसे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अगर आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और सही। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ अलग बनना होगा, कुछ डिफरेंट बनना होगा। औरत को ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़का बाकी लड़कों में से बहुत ज़्यादा अलग है, कुछ डिफरेंट है, यानी कि आप बाकियों के जैसे नहीं हो। आपके अंदर में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत होना चाहिए। जिस दिन औरत को लगेगा कि आप बाकी लड़कों के जैसा नहीं हो, आप कुछ अलग क्वालिटी के हो, तो उसी दिन से औरत आपको खुद पटाएगी। आपको पटाने की ज़रूरत नहीं है, औरत आपको खुद से पटाएगी। सिर्फ आपको अपने अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें रखनी चाहिए, कुछ स्पेशल आदतें रखनी चाहिए। अगर आप इन आदतों पर ध्यान देते हो तो उन आदतों को, उन क्वालिटीज़ को और भी ज़्यादा डेवलप करोगे, उनको और भी ज़्यादा निखारोगे, तो आप किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को आसानी से पटा सकते हो। नंबर दो, पुश पुल का सहारा लो। दोस्तों, आप किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को पटाना चाहते हो तो आपको पुश पुल का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब कि कभी हाँ कभी ना। ये जो तरीका है ना, ये तरीका ज़्यादातर औरतें यूज़ करती है या फिर लड़कियाँ यूज़ करती है। दोस्तों, किसी भी लड़के को बेवकूफ़ बनाने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए औरतें और लड़कियाँ यह तरीका इस्तेमाल करती है। इस तरीके में कोई भी औरत या कोई भी लड़की आपको कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा भाव देती है, आपकी तारीफ करती है, आपको सपोर्ट करती है, आपसे हमेशा हंस हंस कर बात करती है। आपको लगता है कि ये औरत मुझसे पट चुकी है, ये औरत मेरे ऊपर फिदा है, ये औरत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ये मुझसे शायद प्यार करती है। फिर कुछ दिन बाद औरत आपको अचानक इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि जो औरत आपको भाव देती थी अब वो अचानक आपको भाव देना बंद कर दी, और अब आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हो। और आप जितना ज़्यादा उस औरत के बारे में सोचने लगते हो, उतना ही ज़्यादा उस औरत के तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हो और धीरे धीरे उस औरत से प्यार कर बैठते हो। तो आपको भी इसी तरीके का सहारा लेना चाहिए। जैसे औरत करती है वैसे आपको भी करना चाहिए। आप जिस लड़की को या औरत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उन्हें पटाने के लिए आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको पुश पुल तरीके का सहारा लेना पड़ेगा। औरत या लड़की 24 घंटे आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। अगर आप इन तरीकों का सहारा लेते हो तो दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान किसी के बारे में 24 घंटे सोचते रहता है, वो इंसान ऑटोमेटिकली उस इंसान के प्यार में पड़ जाता है, उस इंसान का होने लगता है और उससे प्यार करने लगता है।